बिहार के दरभंगा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें प्रत्याशी शोएब अहमद खान ने आम मतदाताओं से कहा कि अगर हमारी सरकार बनती है तो शिक्षा के माध्यम से सामाजिक बुराइयों को दूर करना हमारा पहला कर्तव्य होगा, क्योंकि शिक्षा ही एक ऐसा मंत्र है जो कि सामाजिक अस्तित्व को बचाया जा सकता है। बिहार के दरभंगा में प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से शहरी विधानसभा के आम मतदाताओं से प्रत्याशी शोएब अहमद खान ने कहा कि अगर हमारी सरकार बनती है तो शिक्षा के माध्यम से सामाजिक बुराइयों को दूर करना हमारा पहला कर्तव्य होगा। आज अगर हमारा समाज और परिवेश दूषित हो रहा है तो इसका जिम्मेदार पिछले चुने गए नेता और संबंधित राजनीतिक गतिविधियां हैं। ये लोग आम जनता की आवश्यकता को नजरअंदाज करते हुए अपनी स्थिति सुदृढ़ करने में लगे हैं। शिक्षा ही एक ऐसा मंत्र है जिसके माध्यम से सामाजिक अस्तित्व को बचाया जा सकता है और समाज को नया रूप दिया जा सकता है। इस चुनाव में जनता का समर्थन रहा तो सभी असामाजिक कुरीतियों को दूर करना हमारा लक्ष्य होगा। शिक्षा और शिक्षक की स्थिति अगर सुदृढ़ होगी तो एक अच्छा और सुदृढ़ समाज बनेगा और देश का नाम रोशन होगा। आज शिक्षकों की हालत दयनीय है, वर्तमान सरकार ने इनकी समस्याओं को नजरअंदाज किया है। हमारी सरकार इन शिक्षकों को मान सम्मान के साथ उनके आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए वचनबद्ध होगी। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा ही हमारा पहली प्राथमिकता होगी। किसानों को वाजिब हक और अधिकार, बिजली दरों में कटौती, दरभंगा शहरी क्षेत्र में जल जमाव की समस्या से निदान, चिकित्सा व्यवस्था को सुदृढ़ और उत्कृष्ट बनाना, मिथिलांचल के धरोहर को पर्यटक स्थल के रूप में परिवर्तन, दरभंगा शहर को मास्टर प्लान के अंतर्गत स्मार्ट सिटी बनाना, बाढ़ की समस्या से स्थायी निदान, आपदा की स्थिति में शिक्षकों और अभिभावकों को विशेष मदद, शहर में शांति और सद्भावपूर्ण जीवन व्यवस्था हेतु उचित कदम हमारी प्राथमिकता होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, HBN न्यूज। चूंकि चुनाव है और मुझे अभी नॉमिनेशन करना है, मैं दरभंगा 83 विधानसभा से इस चुनाव में कैंडिडेट हूँ। पब्लिक स्कूल एसोसिएशन से समर्थित वाजिब अधिकार पार्टी के द्वारा जनता से रूबरू होने के लिए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को रखा है, ताकि मैं अपनी बातें अपने इस शहरी विधानसभा के सभी जनताओं तक पहुंचा सकूं। आप इसके माध्यम हैं, इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा। क्या मकसद लेकर के आए हैं चुनाव में? इस बार चुनाव में जो मकसद हमारा है वो मकसद शिक्षा को लेकर के है। इस देश में जिस तरह से शिक्षा व्यवस्था बिल्कुल चरमरा चुका है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं मिलने के कारण आज देश को 2-3 खेमे में बांट दिया गया है। कहीं ना कहीं देश हमारा बहुत ही पीछे जा रहा है। हर जिस क्षेत्र में देखिए उस क्षेत्र में हम नाकाम हैं। हमारा देश जो इतना बड़ा देश है, यहाँ की जो जरखेज मिट्टी है, जो पूरे दुनिया के अंदर में हिंदुस्तान एक मुकाम रखता है, यहाँ के जो लोग हैं जिनकी अच्छी सोच अच्छी विचारधाराएं थीं उन्हें डाइवर्ट कर दिया गया। आज शिक्षा के अंदर में जो नैतिकता की पाठ नहीं रही, सरकारी स्कूलों के अंदर में भी ये हालात रहे कि मॉरल एजुकेशन नहीं देने की वजह से भी जो हालात हैं वो अच्छे नहीं हैं। समाज में बुराइयां हैं, जो राजनीति है वो एक व्यवसाय बन चुका है। लोग देश के और जनता के लिए राजनीति नहीं करने आ रहे हैं, उनके हक और अधिकार के लिए नहीं, बल्कि अपने घर को अपने आप को मजबूत करने के लिए इस राजनीति में आए हैं। तो कहीं ना कहीं जो नीचे तबके के लोग हैं वो आज परेशान हैं, जो स्टूडेंट हैं वो परेशान हैं, बेरोजगार हैं वो परेशान हैं, और हर बुराई का कारण मैं समझता हूँ कि शिक्षा नहीं होना, रोजगार नहीं होना, ये बुराई का जड़ है। आज चौक चौराहे पर हमारे नौजवान जिनको नौकरियां नहीं मिलती है अपना टाइम पास करते हैं, और जब वहाँ पर एक गलत समाज मिलता है उन्हें
और जब गलत समाज मिलता है धीरे धीरे हमारे अच्छे बच्चे भी, हमारे अच्छे घर के जो लोग हैं, जो पढ़े लिखे नौजवान हैं, वो भी आज कहीं ना कहीं गलत दिशा में जा रहे हैं, जिसके वजह से आज समाज दूषित होने के वजह से आज लड़ाइयाँ बढ़ रही हैं, आपस में भाई भाई में खूनरेजी हो रहा है। सर ये तो कंट्री लेवल का इश्यूज है, हम जानना चाहते हैं कि लोग आपको वोट क्यों करें। जल जमाव के लिए यहाँ पर जिस तरह से मास्टर प्लान बना था, उस मास्टर प्लान के अंदर में जो लैंड का बोलते हैं जहाँ ऊंचाई निचाई का मामला था, उस मास्टर प्लान में सारा कुछ था कि यहाँ ड्रेनेज सिस्टम हो, ऐसा किया जाएगा जिससे हमेशा के लिए जल जमाव का मामला ख़त्म हो जाएगा। नाला जो बनता है वो नाला का बनाने का तरीका नहीं है, कहीं पर ऊंचा कहीं पर नीचा, और पानी निकलने का यहाँ रास्ता नहीं है। तो जब तक मास्टर प्लान को ला करके काम नहीं किया जाएगा, मैं समझता हूँ 50 साल में भी यहाँ की जो पानी का जल जमाव का मामला वो ख़त्म नहीं हो सकता है। तो उसके लिए हम लोगों का था कि हम लोग अगर हमारी सरकार बनती है तो हम लोग मास्टर प्लान के तहत इस दरभंगा को स्मार्ट सिटी बनाएंगे। हम यहाँ के जो धरोहर हैं मिथिलांचल के धरोहर को, जहाँ आज बोलते हैं कि पेड़ और बहुत से पौधे उग गए हैं, वहाँ पर जंगल हो गया है, हम उसको एक नया रूप दे करके पर्यटक स्थल बनाने का काम करेंगे। ट्रैफिक के बारे में क्या कहेंगे? ट्रैफिक में जो ट्रैफिक रूल्स है उससे पहले हम कंडीशन लागू करेंगे। नहीं सर, यहाँ जो की जरूरत है ओवर ब्रिज, यहाँ की जरूरत है जो उसके बारे में आपका क्या? ओवर ब्रिज भी बनना चाहिए। जो नगर निगम का सिस्टम है उसको सुधारने की ज़रूरत है। साफ़ सफाई का जो मामला है उसको सुधारने की ज़रूरत है। टाइम जो है उसका बिल्कुल गलत है, रात में 11 बजे के बाद सफाई होना चाहिए था, 8 बजे सुबह साफ होता है, जिस टाइम में बहुत भीड़ भाड़ हो जाती है, लोग अपने दफ्तर जाते हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं, लोग भीड़ हो जाती है, हर तरह के लोग भीड़ होता है, और वहाँ पर ट्रैक्टर लगा होता है, वहाँ पर JCB लगा होता है, तो ये सब सिस्टम से ट्रैफिक कुछ कम होगा। यहाँ पर ओवर ब्रिज की ज़रूरत है, उसकी ज़रूरत है, वो सब होगा, जब तक कि वो नहीं किया जाएगा ट्रैफिक जो है वो नहीं हो पाएगा। सर आपने कहा तो अभी ये तो हमारे जो एजुकेशन के जो हम लोगों के एसोसिएशन है, एसोसिएशन के जो लोग हैं वो डॉक्टर डी के सिंह हैं, अब वो लोग इन चीज़ों का फैसला करेंगे। अभी तो हम लोग सर अगर आप चुनाव जीतते हैं तो अपनी जनता के लिए सबसे पहला काम कौन सा करेंगे? देखिए, जनता के लिए पहला काम तो हम सबसे पहले शिक्षा सिस्टम जो है सिस्टम को सुधारेंगे, सबसे पहला काम जो मेन बेस है समाज का, स्वास्थ्य का मामला हमारे यहाँ जो आज देख रहे हैं कि हॉस्पिटल के अंदर में हमारे 80% लोग जो एक DMCH पर आधारित लोग हैं यहाँ पर, उसकी व्यवस्था जो है वो चरमराई हुई है, हम उसको सही करेंगे। ट्रैफिक का जो मामला है, ट्रैफिक में हम रोज के साथ कंडीशन, जो जल जमाव का मामला है उसके लिए जो सही निदान होना चाहिए। क्या यहाँ लोकल बस चलना चाहिए? बिल्कुल लोकल बसेस चलनी चाहिए, यहाँ लोकल बसेस नहीं है, वो नहीं एयरपोर्ट के लिए, अपने एरिया सराय के लिए, ये सब चीज़ें जो है विधि व्यवस्था को भी दुरुस्त किया जाएगा, और जो आम जनता के लिए वो होना चाहिए वो हम लोग देखेंगे, उसको सही करेंगे, ताकि हमारे पास जो है वो शिक्षाविदों की एक जमात है, एक टोली है, और नो डाउट उनके पास में विजन्स हैं, उनके पास कॉन्सेप्ट्स हैं, हम लोग मिलजुल करके ईमानदारी से काम करें। एक आखिरी सवाल सर हमारी तरफ से है कि आप मैनिफेस्टो हमारा इलेक्शन का है, पहले तो सबसे पहले गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पहला ये है, शिक्षा मतलब देश तो देश विकसित होगा, और शिक्षा से ही सारा कुछ है। अगर हमारे अंदर में शिक्षा है और नैतिकता है तो बलात्कार रुकेगा, हमारे अंदर में शिक्षा है नैतिकता है तो जो करप्शन है वो रुकेगा, हमारे अंदर शिक्षा है और नैतिकता की पाठ मैंने दी है तो आपकी इज्जत होनी शुरू हो जाएगी, समाज के अंदर बुराइयां खत्म हो जाएगी, समाज के अंदर जो बच्चे चौक चौरा, शिक्षा है तभी हम आज आप एजुकेटेड हैं, तभी आप हमसे सवाल कर रहे हैं। अगर आप एजुकेटेड नहीं होते, आप पढ़े लिखे नहीं होते, आपके दिमाग में ये चीज़ें नहीं आती, तो शिक्षा मेन है, हम शिक्षा के मुद्दों को लेकर आए, शिक्षा की व्यवस्था जो है वो मजबूत होना चाहिए। आप अपना प्रतिद्वंदी किसे मानते हैं? देखिए, प्रतिद्वंदी तो हम किसी को मिला है ही नहीं है, मैं तो खुद अकेला लगता हूँ, मेरा हमारा पूरा समाज जो पढ़ा लिखा शिक्षित लोग है, मैं अकेला हूँ। यहाँ धर्म के नाम पे भी वोट होता है, आप मानते हैं? देखिए, धर्म के नाम पर जो हुआ ये भी गलत हो रहा है, ये भी गलत है। हम लोग, और दूसरी बात कि हम लोग धर्म जात से ऊपर हैं, चूँकि हम लोग शिक्षाविद हैं, हम लोग ऊपर उठ करके हमारे क्लासेस में हर धर्म हर जात के बच्चे हैं, लेकिन हम लोग एक तरीके से उनको देखते हैं, हम लोग का कोई जात नहीं है, हमारा कोई, हम लोग जमात के लोग हैं।
कि सारा जो हमारा दरभंगा विधानसभा का लोग है सब हमारा जात है, हमारा जमात वही है। लोगों के बीच में जा रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं, तो लोगों ने क्या कहा? देखिए लोगों के अंदर में उत्साह है, लोगों ने कहा कि नहीं हम लोगों को बदलाव चाहिए और बदलना होगा। ये कब तक कब बदलेंगे हम लोग? अभी से आवाज़ नहीं उठाएंगे तो कब उठाएंगे? क्या हमारे हम जब मर जाएंगे तो, जब मेरा समाज बिल्कुल गड्ढे में चला जाएगा तो आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। ये आज समय आ गया है, ये वक्त है आवाज़ उठाने का। मैं चाहूँगा कि सब लोग मिल करके एक आवाज़ उठाएं, एक नया बिहार बनाएं, एक नया मैसेज पूरे हिंदुस्तान के अंदर जाना चाहिए दरभंगा विधानसभा से, इस बिहार से, कि नहीं लोग जग चुके हैं, लोग को जगने की ज़रूरत है, ये वक्त है जगने का। लोगों से संपर्क कर रहे हैं? बिल्कुल संपर्क बनाए हुए हैं, लोगों से संपर्क कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, हमारा काम चल रहा है। दरभंगा की कोई चार समस्या बताएं जो आपकी प्राथमिकता में है। देखिए यहाँ की समस्याएं जो है, सबसे तो आप देख रहे हैं एक जल जमाव का बड़ा समस्या है, एक तो ये है ट्रैफिक का बहुत बड़ा समस्या है, दूसरा समस्या हो गया, तीसरा ये कि हमारे यहाँ जो रोजगार का मामला है, उस रोजगार के लिए हमारे पास में ना ही कोई ऐसा फैक्ट्रीज है। हम ब्रिटानिया कंपनी से बात कर रहे थे कि आपका प्रोडक्शन वहाँ हो रहा है, हमारे दरभंगा बिहार दरभंगा में क्यों नहीं होता है? आप यहाँ भी एक हमारे यहाँ लगाइए ताकि हमारे यहाँ के लोग भी उन्हें रोजगार मिले। हम बड़े बड़े कंपनियों से बात करके यहाँ भी इसका प्रोडक्शन करवा सकते हैं। तो प्रोडक्शन होने की ज़रूरत है, जब प्रोडक्शन होगा रोजगार होगा। आज हमारे युवा रोड पर घूम रहे हैं, टहल रहे हैं, पढ़ लिख करके लोग जो है खराब हो रहा है, उसको सही रास्ता दिखाने की ज़रूरत है। तो सही रास्ता दिखाने के लिए हमें, और मैं समझता हूँ कि हमारी जो जमात है, हमारे जो लोग हैं, सब मिलजुल करके एक नया बिहार, नया दरभंगा बनाएंगे।